हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 10, जिसका नाम है अनेक शब्द के लिए एक शब्द, पाठ 10, और इसका हेडिंग है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसको मैं आपको पढ़कर समझाती हूँ, तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपने विचारों और भावों को कम से कम शब्दों में अपनी बात को प्रकट करना एक कला है। इसके लिए ऐसे शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है जो पूरे शब्द समूह का अर्थ प्रकट करते हैं। यहाँ कुछ ऐसे ही शब्द दिए जा रहे हैं। अपने विचारों या भावों को, मतलब अपने मन में जो भाव या विचार आते हैं, उनको कम से कम शब्दों में, मतलब बहुत लंबा सेंटेंस या वाक्य ना बोलते हुए कम शब्दों में, कुछ लिमिटेड वर्ड्स में जब हम अपनी बात को प्रकट करते हैं तो वो एक कला होती है। मतलब हमारा एक हुनर होता है, हमारी एक कला होती है। इसके लिए शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए क्या होता है कि ऐसे छोटे छोटे शब्दों का ज्ञान होना भी आवश्यक है कि मतलब बड़ा बड़ा सेंटेंस ना बोलते हुए हम उसको कम शब्दों में अपनी बात को रख सकें। जो पूरे शब्द समूह का अर्थ प्रकट कर दे, मतलब जो हमारे लंबे सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म में बोलना बताए हमें और उसका अर्थ प्रकट करें। यहाँ कुछ ऐसे ही शब्द दिए जा रहे हैं। तो ये चैप्टर यही बताता है कि हम बड़े बड़े सेंटेंस ना बोलते हुए कुछ छोटे शब्द दिए गए हैं, वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ कि वो कौन से शब्द होते हैं। देखिए, शब्द समूह, जो ईश्वर को मानता हो। आपकी बुक में ये देखिए, शब्द समूह इधर दिया गया है और एक शब्द का प्रयोग, मतलब ये बड़ा वाक्य दिया गया है और उसको छोटा करके शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है वो इधर बताया गया है। तो देखिए, जो ईश्वर को मानता हो, मतलब जो ईश्वर में विश्वास करता हो, ईश्वर को मानता हो, पूजा करता हो ईश्वर की, उसे क्या कहते हैं? इसका एक शॉर्ट फॉर्म वर्ड होता है, मतलब उसको कहते हैं हम आस्तिक। मतलब ईश्वर में आस्था रखने वाला, उसे कहते हैं आस्तिक। तो हम इतना जो ईश्वर को मानता हो ये ना बोलते हुए क्या बोलेंगे? आस्तिक। वो आस्तिक है, मतलब वो ईश्वर को मानता है। फिर जो ईश्वर को नहीं मानता हो, अब ईश्वर को मानने वाला हुआ आस्तिक, और जो ईश्वर को नहीं मानता है, अगर हम इतना लंबा सेंटेंस बोलेंगे वो तो ईश्वर को मानता ही नहीं है, इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं? एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, नास्तिक। मतलब वह नास्तिक है, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वो ईश्वर को नहीं मानता, इसे क्या बोलेंगे हम? नास्तिक। फिर जो दूसरों का उपकार करे, दूसरों पर उपकार करना, मतलब दूसरों की भलाई करना, उपकार करना, उसे हम क्या कहेंगे? परोपकारी। तो हम इतना लंबा सेंटेंस कि वो तो दूसरों पर बहुत उपकार करता है ये ना बोलते हम क्या कहें? वो तो परोपकारी है। एक ही वर्ड हो गया हमारा ये, उसका आंसर हमें पूरा एक अर्थ समझ में आ रहा है कि जो दूसरों पर उपकार करता है वो मतलब परोपकारी है। फिर जो नगर में रहता है, नागरिक, जो नगर में रहता है, मतलब गाँव में नहीं रह रहा, नगर में रह रहा है वो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ये इस नगर का नागरिक है, मतलब नगर में रहने वाला, उसे क्या कहेंगे हम? नागरिक। मैं कहूँगी रमेश तो यहाँ का नागरिक है, तो वो इस नगर में रहता है, ये हो गया इसका मतलब। फिर जो ग्राम में रहता हो, ग्राम मतलब गांव, जो गांव में रहने वाला है उसे क्या कहेंगे हम? ग्रामीण। अब जैसे आप अपने स्कूल में बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो गांव से आते हैं पढ़ने, तो उसे हम ये कहेंगे ये गांव में रहता है ये ना कहकर वो ग्रामीण है, ये कह सकते हैं हम कि वो ग्रामीण है, गाँव में रहने वाला होता है ग्रामीण। जो रोगियों का इलाज करता हो, अब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम उसके पास जा रहे हैं जो रोगियों का इलाज करता है, नहीं, उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, क्या करते हैं? डॉक्टर। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो इतना लंबा सेंटेंस ना बोलते हुए कि वह रोगियों का इलाज करता है या जो पेशेंट देखता है, जो रोग, जो बीमारी का इलाज करता है, उस ऐसा ना बोलते हम क्या कहें? डॉक्टर। एक वर्ड हो गया इसके लिए, जो रोगियों का इलाज करता है उसे हम कहते हैं डॉक्टर। जो लकड़ी की वस्तुएँ बनाता हूँ, जो लकड़ी का काम करता हो, कारपेंटर, मालूम है ना आपको, तो जो लकड़ियों का काम करता है उसे इंग्लिश में कहते हैं कारपेंटर, और हिंदी में उसे क्या कहते हैं? बढ़ई। मतलब हम जो फर्नीचर बनवाते हैं, लकड़ियों का काम करवाते हैं, दरवाजे, खिड़कियां, ये सब जो बनाते हैं, काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बढ़ई। तो इतना लंबा कि हम तो लकड़ी का काम करवाने वाले के पास जा रहे हैं, तो इतना लंबा ना कहते हुए हम ये कहेंगे हम बढ़ई के पास जा रहे हैं, मतलब कारपेंटर के पास जा रहे हैं, तो हमें क्या काम करवाना है? लकड़ी का काम करवाना है। फिर जो खेती बाड़ी का काम करता है, जो खेती का काम करता है, जैसे गांव में सब किसान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जो खेती का काम करता है उसे किसान कहते हैं। तो जो खेती का काम करता है, मतलब जो खेतों में काम करता है, इतना लंबा ना बोलते हम कह देंगे किसान। वो किसान हमारे घर के पास रहता है या वो किसान आ रहा है, ऐसे बोल दो, इतना लंबा तो नहीं बोलोगे आपके, वो जो खेती का काम करता है ना वो आ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में? किसान। फिर जो देखने में नहीं आता, मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इससे क्या कहते हैं? अदृश्य। मतलब वो दृश्य नहीं हो रहा है, वो दृष्टिगत नहीं हो रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है, उसे क्या कहेंगे? अदृश्य। फिर जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरण मतलब उसको उसके जैसा काम करने वाला, अनुकरणीय,
मतलब उसको हम अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। अनुकरण मतलब होता है कि उसके जैसा काम करने वाला, तो अनुकरणीय, उसे क्या कहेंगे, अनुकरणीय। जिसे जीता ना जा सके, मतलब जिसको जीता ना जा सके, उसे क्या कहते हैं, अजय। वो अजय है, मतलब वो कभी हारता नहीं है, उसे हम जीत नहीं सकते, अजय। फिर जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, मतलब जिसके आने की कोई डेट निश्चित ना हो, कि तिथि ज्ञात ना हो, तिथि मतलब होता है डेट, उसे क्या कहते हैं, अतिथि। मतलब उसके आने की कोई तिथि नहीं है, उसके आने का कोई दिनांक नहीं है, तारीख नहीं है, वो कभी भी आ सकते हैं, तो अतिथि। अभिनय करने वाला पुरुष, अभिनय करने वाला पुरुष मतलब जो अभिनय करता है, अभिनय का मतलब होता है एक्टिंग, तो जो एक्टिंग करता है उसे क्या कहते हैं, अभिनेता। हिंदी में कहते हैं अभिनेता, इंग्लिश में एक्टर। तो जो अभिनय करता है उसे क्या कहते हैं, अभिनेता। अभिनय करने वाली स्त्री, अभिनय करने वाला पुरुष होता है अभिनेता, और अभिनय करने वाली स्त्री होती है अभिनेत्री। हीरोइन कहते हैं ना अपन जिसे, उसे हिंदी में कहते हैं अभिनेत्री। हीरो को क्या कहते हैं, अभिनेता, और हीरोइन को अभिनेत्री। जो घटघट वासी हो, मत घटघट मतलब जो हर जगह व्याप्त है, हर जगह उसका वास है, उसे क्या कहते हैं, जो हर जगह रहने वाला हो, अंतर्यामी। मतलब वो हर जगह निवास करता है, तो भगवान होते हैं ना अंतर्यामी, हम कहते हैं भगवान तो घटघट में वास करता है, भगवान तो घटघट का वासी है, तो वो क्या हुआ, अंतर्यामी। तो स्टूडेंट आप में इस चैप्टर में 15 वर्ड्स दिए गए हैं, जो एक शब्द समूह है, मतलब वो वाक्य बने हुए हैं बड़े बड़े, और उनको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, उनके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या किया जाता है, ये मैंने आपको पढ़कर समझा दिया है। तो आपका चैप्टर ये यही खत्म होता है। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं आपको फिल करके व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगी, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।